बदले के लिए हमारी मेन कैरेक्टर सालों की प्लानिंग करती है। सब ठीक था, पर जो मर्डर उसने किया ही नहीं उसी का आरोप उस पर लग जाता है, तो वो क्या करेगी, किस हद तक जाएगी, यह हम आज के हमारी मूवी ब्रेकिंग द गर्ल्स 2012 की एक थ्रिलर क्राइम हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। इसकी मिस्ट्री के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर सारा को उसकी क्लास में जरा लेट आता हुआ देखते हैं। उसके क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है एरिक। एरिक और सारा एक दूसरे को लाइक करते हैं, पर एरिक की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है ब्रूक। सारा और एरिक एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे तो ब्रूक को यह बात थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। सारा एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट थी और अपने प्रोफेसर की भी फेवरेट थी। सारा एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है तो अपने खर्चे चलाने के लिए रात में बार में काम करती है। बार में उसका एक फ्रेंड आया हुआ था जिसका नाम था टीम। टीम उसे ड्रिंक के लिए पूछता है पर सारा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी हमारी और एक मेन कैरेक्टर यहाँ पर आती है, इसका नाम है एलेक्स। टीम ने एलेक्स को अप्रोच करने की कोशिश की पर सारा ने टीम से कहा कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। एलेक्स कहती कि उससे बचाने के लिए थैंक यू। थोड़ी देर में एरिक और ब्रूक अपने फ्रेंड्स के साथ इसी बार में आते हैं। ब्रूक सारा को देखती है तो टिप में से कुछ टिप अपने लिए रख रही थी। ये बात जाकर वो सारा के बॉस को बता देती है। सारा के बॉस ने उसे बुलाया और उसे फायर कर देता है। बार बंद हो जाने के बाद एलेक्स बाहर ही थी। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। वो सारा से पूछती है कि अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो तुम्हें मैं राइड दे सकती हूँ। एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तो सारा ही उसे उसके घर पर छोड़ देती है। एलेक्स उसे अपने साथ घर में ड्रिंक करने के लिए लेकर गई। ब्रूक ने सारा के साथ जो भी किया ये सब कुछ वो एलेक्स को बता देती है। एलेक्स कहती कि हम उसे अच्छा मजा चखाएंगे। या उसे ये भी पता चला कि सारा एरिक को बहुत गुस्सा इन्होंने इन प्लेट्स पर निकाला। एलेक्स ने कहा कि चलो हम एक पार्टी पर चलते हैं। ये पार्टी एलेक्स की स्टेप मदर की थी और यहीं पर ब्रूक और एरिक जा रहे थे। स्टेप मदर आकर उसे मिलती है पर एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। सारा ने पूछा कि तुम इस तरीके से उसे बिहेव क्यों करते हो। एलेक्स ने कहा कि पहले वो और मैं डेट किया करते थे, मेरे फादर की नज़र उस पर पड़ी और उसे भी मेरे फादर के पैसे बहुत ही अच्छे लगे थे, तो इस वजह से 3 महीने बाद वो दोनों एंगेज थे। थोड़ी देर में ब्रूक और एरिक से मिले। एरिक सारा से बात कर रहा था, ये बात फिर से ब्रूक को ज़रा खटक गई। वो गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है। एलेक्स और भी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। एरिक ये देखकर उसके पास आया। सारा ने कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या तकलीफ नहीं होगी। एरिक कहता है कि वो घर जा चुकी है। घर आने के बाद एलेक्स फिर से होश में आके और सबके साथ डांस करने लगती है। उसने कहा कि चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं। ये तीनों मिलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे पर एलेक्स ने स्लोली स्लोली एरिक को बाहर निकाल दिया। उसे सारा और एलेक्स को देखना वियर्ड लगा और वो वहाँ से चला जाता है। आज रात तो दोनों इंटीमेट हो गई थी। सुबह होने पर सारा ने एलेक्स को क्लियर किया कि वो जनरली लड़कियों के साथ ये सब नहीं करती। एलेक्स भी ये बात समझ सकती थी। कॉलेज में आने के बाद उसके प्रोफेसर उसे बुला लेते हैं। उन्हें कल रात के बारे में पता चल गया था कि सारा ने चोरी की थी। ये बात मैनेजमेंट को पता चली और इस वजह से सारा की स्कॉलरशिप जा चुकी है। सारा कहती कि बिना स्कॉलरशिप के मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, पर प्रोफेसर कहती कि इस सेमेस्टर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। इस सब के पीछे ब्रूक थी। उसी के पेरेंट्स के हाथ मैनेजमेंट तक थे। स्कॉलरशिप के बाद उसकी रहने की जगह भी उसके हाथ से चली जाती है। इस सब से वो ब्रूक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहती कि मुझे पता है कि तुमने ये सब किया है, मेरे रास्ते से दूर रहो वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। सारा को पिकअप करने के लिए एलेक्स आए। उसका मूड ठीक करने के लिए आज वो पार्टी करने वाले थे। एक स्टोर में हो गए और एलेक्स ने सारा के लिए कुछ चुरा लिया। इसे वो मजे के लिए कर रही थी। उसने कहा कि देखो अब मैं भी चोर हूँ। एलेक्स ने कहा कि 1800 में हमारी तरह एक जोड़ी थी जो बहुत सारी चोरियाँ करती थी। उन्हें जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्रेग्नेंट हैं और उस वक्त प्रेग्नेंट लड़कियों को कोई भी सज़ा नहीं होती थी। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर थी। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें अच्छा लग रहा था। इसके बाद एलेक्स सारा को अपने फादर की विला पर लेकर आती है। ये स्विमिंग पूल के पास बैठे और एलेक्स ने कहा कि मेरी मदर की डेथ यहीं पर हुई थी। वो सारा से पूछती कि तुम भी अपनी मदर के बारे में कोई भी बात नहीं करती। सारा ने कहा कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी मदर की भी डेथ हो गई थी और इसके बारे में वो कोई भी डिटेल नहीं बताती। ये सब सैड बातें छोड़कर फिर वो पार्टी करने लगते हैं। रात में बाहर जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो सारा के फादर ने उन्हें देख लिया। उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके से कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। स्टेप मदर भी फादर से कहती कि तुम्हें इसे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो एलेक्स उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। रात में दोनों जब बात कर रही थी तो एलेक्स ने कहा मेरी स्टेप मदर मर जानी चाहिए, उसे बहुत ही ज़्यादा हेट कर दिया। सारा भी चाहती थी कि ब्रूक मर जाए।
एलेक्स ने कहा कि अगर तुम ब्रूक को मारते हो तो सारा शक तुम पर जाएगा, पर अगर मैं उसे मारती हो तो मुझ पर कोई भी शक नहीं करेगा। इसी के ऑपोजिट अगर सारा एलेक्स की स्टेप मदर को मार डालती है तो उस पर भी कोई भी शक नहीं करेगा। सारा एक सेकंड इस पर सोचने लग गई थी, पर एलेक्स फिर इस पर हंस देती है। सारा की हालत देखकर उसने उसे ऑफर दी कि उसके साथ वो रह सकती है। जब वो सब सामान लेकर जा रही थी तो एरिक सारा से बात करता है। उसने कहा कि मैं तुम पर चेक कर रहा था कि क्या तुम ठीक हो। सारा ने कहा कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इस सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एरिक ने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। सारा पूछती कि क्या मेरी वजह से। एरिक ने कहा कि तुम और बहुत सारी अलग चीजें थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। एलेक्स से देखकर जोर से सारा पर चिल्लाए और उसे घर लेकर जाती है। एलेक्स ने कहा कि तुम्हारा अब मुझसे काम हो गया और तुम अब फिर से एरिक के पास जा रही हो। सारा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। एलेक्स ने कहा कि अब भी तुम्हें ब्रूक से ज़रा बचकर रहना चाहिए, उसने अब भी अगर तुम्हें और एरिक को साथ में देखा तो तुमसे बदला ले सकती है। रात में ब्रूक अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग कर रही थी, वह फ्रेंड्स चले जाते हैं और जब वो अकेली थी तो अचानक से स्विमिंग पूल के लाइट चले गए। वो बाहर निकलने लग गए पर नीचे से उसे कोई खींच लेता है, उसे डुबाकर मार दिया गया। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं तो एलेक्स ही थी। एलेक्स ब्रूक का नेकलेस उठाकर अपने साथ लेकर गई। घर पर आने के बाद एलेक्स ने सारा को उठाया और कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। ब्रूक का नेकलेस उसे दिखा देती है, कहती कि मैंने उसे मार डाला, नहीं अरेस्ट कर लेंगे क्योंकि अब नेकलेस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। एलेक्स ने नेकलेस को ग्लव्स में पकड़ा था तो कोई भी उसके खिलाफ सबूत नहीं है। एलेक्स कहती कि अब तुम्हें मेरी स्टेप मदर नीना को मारना पड़ेगा। इन सब बातों से सारा बहुत डर गई थी। अगली सुबह उसे बात करने के लिए पुलिस ऑफिसर आती है। ऑफिसर ने सारा से पूछा कि मैंने कुछ लोगों से बात की और मुझे पता चला कि तुम ब्रूक के बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड थी और इसी वजह से तुमने उसे धमकी भी दी थी। सारा ने कहा कि हम में सिर्फ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई थी, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। एलेक्स इनकी बात सुनकर ऑफिसर को कह देती है कि सारा कल पूरी रात उसके साथ थी। ऑफिसर ने कहा कि अगर तुम कुछ भी छुपा रही हो तो तुम डायरेक्टली मुझसे बात कर सकती हो। ऑफिसर के जाने के बाद सारा एलेक्स से कहती है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। ब्रूक का फ्यूनरल चल रहा था तो वहाँ पर एलेक्स भी आई हुई थी। सारा जब पहुँचती तो सब लोग बहुत ही अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। प्रोफेसर ने सारा से कहा कि तुमने यहाँ आकर अच्छा किया, इसे तुम गिल्टी नहीं लगती। एलेक्स ने फिर से सारा से बात की और कहा कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दिन देती हूँ, इसके बाद आकर मुझसे बात करना। फिर से ऑफिसर ने सारा से बात की और उसे अब सारा और ब्रूक की दुश्मनी के बारे में और भी पता चल गया था। सारा अब भी उसे कुछ भी नहीं बताती। सारा ने कहा कि जिसके पास पैसे होते हैं ये सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग चलता है, हम कुछ भी कर नहीं सकते। मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो मेरे फादर को कुछ भी हुआ नहीं, उसे लगता था कि उसके फादर ने उसकी मदर को मार डाला था। पुलिस ने इसके लिए कुछ भी किया नहीं था। एरिक ने एलेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उसके स्टेप फादर ने बहुत बार शादी की थी, हमेशा एक अमीर लड़की के साथ ही वो शादी करते थे। एरिक ने कहा कि एलेक्स की मदर की डेथ भी बहुत ही सस्पिशियस थी। एरिक को समझ में नहीं आ रहा था कि एलेक्स अपनी स्टेप मदर को क्यों मारना चाहती है। अगर वो अपने स्टेप फादर को मारती है तो उसे सारे पैसे मिल जाएंगे। सारा को एलेक्स का कॉल आता है। एरिक ने कहा कि तुम्हें उसे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, पर सारा कहती है कि मुझे उसे फेस करना ही पड़ेगा। उसके पास एक प्लान था। एलेक्स बहुत ही हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि सारा एरिक के साथ थी। सारा ने कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक फ्लिंग थी, पर मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ब्रूक को मेरे लिए मार डाला, अब मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। एलेक्स ने कहा कि आज का दिन बहुत ही परफेक्ट है। उसने उसे एक गन दी और नीना का एड्रेस भी दे दिया जहाँ पर जाकर उसे मार सकती है। सारा वहाँ पर नीना से बात करने के लिए पहुँची तभी एलेक्स ने पुलिस को कॉल कर दिया। सारा अंदर जाकर देखते तो एलेक्स के स्टेप फादर की डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच गए और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ सारा ने किया, उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से बात करती है। पुलिस ऑफिसर एलेक्स से पूछती है कि सारा मर्डर सीन पर तो थी, पर उसका मोटिव मुझे समझ में नहीं आ रहा। एलेक्स ने कहा कि जब सारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आई तो बहुत ही बदसूर हो गई थी। वो ब्रूक को मारने के बारे में हमेशा बात करती थी। जब मेरी और मेरे स्टेप फादर की फाइट हुई तो सारा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। इसी ऑब्सेशन में शायद उसने उसे मार डाला। जेल में सारा ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। एरिक जब उसे मिलने के लिए आता तो उसने कहा कि एलेक्स और नीना ने इन दोनों ने मिलकर मुझे फ्रेम किया है, ये हमेशा से उनका प्लान था। एलेक्स की मदर ने सारे पैसे उसके स्टेप फादर को दे दिए थे, अगर स्टेप फादर की डेथ हो जाती है तो सब कुछ नीना को मिल जाएगा। पहले एलेक्स और नीना ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो उसी वजह से उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया।
सारा ने कहा कि अब मेरे पास एक प्लान है। एरिक कहता है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए और उन्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। सारा इस बात के लिए मान जाती है। उसने फिर नीना को उससे मिलने के लिए बुलाया। रात में एलेक्स और नीना अपनी चीज सेलिब्रेट कर रहे थे। एलेक्स को नीना पर जरा शक गया, उसका मोबाइल वो चेक कर दिया तो सारा से नीना को एक मैसेज आया था जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। एलेक्स इस बात को लेकर नीना को कन्फ्रंट कर दिया, पर नीना ने कहा मैं सिर्फ जाकर देखना चाहती थी कि क्या उनके पास हमारे खिलाफ कुछ भी सबूत है, पर हम दोनों सेफ है। एलेक्स को लग रहा था कि नीना और सारा मिलकर अब उसे फ्रेम करना चाहती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहती कि मैंने तुम्हारे लिए दो लोगों को मार डाला। नीना ने कहा कि मेरा जॉब भी कोई भी आसान नहीं था, मुझे तुम्हारे स्टेप फादर के साथ रिलेशनशिप रखनी पड़ी। नीना फाइनली एलेक्स को मनाई लेती है और ये दोनों इंटीमेट हो गए। सब कुछ चीजें पुलिस को बताने के बाद एरिक उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। वो दोनों इंटीमेट हुए और एरिक ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। अगले दिन नीना एक्चुअल में जाकर सारा से बात करती है। एलेक्स ने उसका पीछा किया था, इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। एलेक्स फिर खुद सारा को कॉल कर देती है, कहती कि हम दोनों को मिलना चाहिए। सारा ने कहा कि अगर तुमने नीना का साथ दिया तो तुम दोनों को मैं जेल में डाल दूंगी। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों को सारे पैसे मिल सकते हैं। वो सारा मर्डर का चार्ज नीना पर ही डालने वाले थे। एलेक्स ने कहा कि सारे पैसे पर नीना के पास है। सारा कहती कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम उससे सारे पैसे मांग सकती हो। इसके बारे में एलेक्स ने नीना से बात की। नीना कहती कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देने वाली, पर एलेक्स कहती है कि मरने के बाद भी मेरी मदर ने मेरे लिए कोई भी पैसे नहीं छोड़े थे, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से नीना भी उसे पैसे देने के लिए मान जाती है। अगले दिन जाकर नीना ने ऑफिशियली एलेक्स के नाम पर पैसे कर दिए। ये जब गाड़ी में बैठे तो पीछे सारा गन लेकर थी। नीना कहती कि तुम मुझे ऐसा धोखा कैसे दे सकती हो। एलेक्स ने कहा कि यह सब करना मेरे लिए बहुत ही हार्ड था, मैं कभी भी किसी का मर्डर नहीं करना चाहती थी। वो जब सब कुछ कन्फेस कर देती है तो पुलिस वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ सारा, नीना और पुलिस ने मिलकर प्लान किया था एरिक से कन्फेशन पाने के लिए। एरिक और सारा एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। एरिक पूछता है कि अब सारे पैसों का क्या होगा। सारा ने कहा कि नीना ने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी है तो सब कुछ उसे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह सारा एरिक को छोड़कर जा रही थी। उसे पूछता है कि इस तरीके से जा क्यों रही हो। सारा ने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। एरिक समझ गया था कि सारा फिर से वापस नहीं आने वाली, वो इसका रीजन समझ नहीं पाता। रात में वो बार में आया, बार दिए थे, उसके बाद उसने मुझे बाहर निकाल दिया। एरिक को रियलाइज हुआ कि शायद ये सब कुछ सारा का प्लान था। वो सारा का पता निकालता है, सारा को उसके आंट ने ही बड़ा किया था। घर में एरिक ने सारा की फोटो देखी तो उसे पता चलता है कि सारा की सिस्टर भी है और वही सिस्टर नीना थी। उनकी फोटोज में उनकी मदर की कार भी हम देख सकते हैं, यही कार एलेक्स के स्टेप फादर के पास थी। अब एक्चुअल में हुआ क्या था ये हमें पता चलता है। एक्चुअल में एलेक्स के स्टेप फादर ये पहले सारा और नीना के स्टेप फादर थे। उसने उनकी मदर से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। वो बहुत ही वायलेंट थे और एक दिन उन्होंने उनकी मदर को मार डाला, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसका बदला लेंगे। फाइनली उन्होंने डेविड को भी मार डाला और सारे पैसे भी अपने लिए ले लिए। इसमें एलेक्स को जेल में जाना पड़ा, पर वैसे भी वो साइको थी क्योंकि उसने ब्रूक का मर्डर किया था। अब कहीं दूर जाकर उन पैसों से सारा और नीना अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।